So we are starting with the day 6 file, and today we wanted to discuss something about related to scenario management. So this is one of the point or one of the topic in the data what if analysis section annotation. इथे तुम्हाला सिनारियो मॅनेजर म्हणून ऑप्शन दिसत, राईट? सो दिस इज इन द डेटा टॅब. हमने ऑलरेडी गोल सिक देखा है एंड सॉल्वर विच आर ऑल द सिमिलर टाइप. सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट अ सिनारियो मैनेजर. सो जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, सिनारियो मैनेजर इज नथिंग बट इट कंपेयर्स द डिफरेंट सिचुएशंस और सिनारियोज विच अराइजेस इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो एज वी सी देयर इज अ बिग बिलियन डे. आणि जर तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल, मतलब आप ऑब्झर्व कर रहे होंगे, तो आयफोन 16 के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते हैं. सो इट स्टार्ट विथ समथिंग 49,000, राइट? फिर उसके बाद 50,000 होता है, बीच में 52 होता है, एंड देन दे समवेयर सेटल्ड एट 55, समथिंग लाइक दिस. तो अलग अलग ड्यूरेशन पे आपको अलग अलग प्राइजेस चेंज होते हैं. होप आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग बिग बिलियन डे, जो फर्स्ट डे रहता है, इन द लेट नाइट प्राइजेस बहुत कम रहते हैं. जैसे जैसे एक दो दिन होता है, प्राइजेस स्टार्ट इंक्रीजिंग. सो ऐसे सिनारियो में आपको कैसे पता चलेगा कि हाउ मच इज माई प्रॉफिट? मान लीजिए फर्स्ट डे को हम सेल कर रहे हैं 49,000 रुपीज को, राइट, द फोन. सो उसमें कितना मेरा प्रॉफिट था और कितना लॉस हो गया? मे बी लॉस पे भी सेल कर सकते हैं, गॉड नोज, राइट, टू क्रिएट अ हाइप, समथिंग लाइक दिस. वो फ्लैश सेल वगैरह, राइट? फ्लैश सेल वगैरह था, 1 रुपए को, 10 रुपए को आपको मोबाइल मिलता था, पेन ड्राइव वगैरह. तो दैट केस इट इज जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और हाइप, एंड देन दे स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर प्राइजेस. तो उसके अकॉर्डिंगली 50,000 पे कितना प्रॉफिट होगा, 55 पे कितना होगा, तो ये कैसे पता चलेगा और हाउ विल यू कैलकुलेट? सो ये सब एनालाइज करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड अ सिनारियो मैनेजर. सो यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट सिनारियोज और डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट पैरामीटर्स एट डिफरेंट कंडीशंस. सपोज मेरा कंडीशन ये है कि इस डिस्काउंट में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और मेरा दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए मैंने ये पैकेजिंग टाइप किया, समथिंग रिलेटेड टू एक अच्छा पैकेजिंग किया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे प्रॉफिट पे, मेरे प्रोडक्ट पे. तो ये सारी चीजें जहाँ पे मल्टीपल डिसीजन लेना होता है आपको, और यू नीड टू कंपेयर सम सिनारियोज, दैट टाइम वी यूज अ सिनारियो मैनेजर. सो वील अंडरस्टैंड विथ हेल्प ऑफ अ मंथली बजट. मंथली बजट का एग्जाम्पल हमने लिया है, एंड देन उसके बेसिस पे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे. सो व्हाट इट सेज इज दिस इज द मंथली बजट. मंथली बजट मतलब इनकम और एक्सपेंस. घर में कितना इनकम आता है, उसका एक्सपेंस क्या है, और अल्टीमेटली हमें क्या इंपॉर्टेंट है, सेविंग, राइट? सैलरी, जॉब, सब कुछ खर्चा करके हमें कितना सेव होता है एट मंथ एंड, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये हमें फाइंड आउट करना है. सो आई विल गिव यू द सिनारियो. सिनारियो सपोज करंटली यू आर वर्किंग इन पुणे एंड यू हैव लेट्स से दिस सैलरी 1,20,000, ये आपका मंथली इनकम है, राइट? एंड देन हाउस रेंट इतना जाता है, ग्रोसरीज इज समथिंग लाइक दिस, इलेक्ट्रिसिटी, मूवीज पे आप इतना खर्चा करते हो, एंड मिसलेनियस इज इन जनरल फ्रेंड्स के साथ बाहर गए और कुछ, इफ यू डू समथिंग एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ट्रेकिंग, ऑल दोस थिंग्स. सो टोटल मेरा एक्सपेंस आता है 63,000, एंड सेविंग कितना होगा, राइट, 56. कैसे? टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस इज नथिंग बट अ सेविंग. समझ में आया? होप. सो नाउ सिचुएशन टू, मैंने जॉब स्विच किया और मुझे अच्छा पैकेज भी मिला. मे बी मेरा इन मंथली इनकम हो रहा है 1,80,000 के आसपास, बट वो जॉब है बैंगलोर में, राइट? तो कितना सेविंग होगा और मुझे वो जॉब लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कैसे पता चलेगा?
और एक मैंने अप्लाई किया जॉब, और वहां पे मेरा थोड़ा कम सैलरी है, मे बी 70,000 है, ओके। बट उसका एडवांटेज ये है कि वो फुल्ली वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट जॉब, तो मैं घर पे रह सकता हूँ, राइट, वेर एवर इन विलेज। और मैं 70,000 उसके हिसाब से आई कैन कंपेयर माई सेविंग एंड आई शुड टेक अ डिसीजन, राइट। तो ये सब कैसे होगा, आप मैन्युअली एडिट करते बैठोगे क्या सब कुछ? और मान लीजिए एडिट भी किया आपने, तो ये स्टोर रहेगा कि इन्फॉर्मेशन नहीं, हर बार आपको ये वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। सो इन सच सिचुएशन वी शुड यूज अ सिनेरियो मैनेजर। तो कैसे यूज करना है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर। ओके, ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड 3 सिनेरियोस, बट लेट मी डिलीट दिस। तो ये ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा, ओके, सिनेरियो मैनेजर, राइट। यहाँ पे ऐड बटन आपको दिखेगा, विच यू कैन यूज टू क्रिएट अ डिफरेंट सिनेरियो। लेट्स डू दिस ऐड। पहला सिनेरियो कौन सा है, जॉब अंडरस्कोर इन पुणे, राइट, ये जॉब इन पुणे है। देन चेंजिंग कौन कौन से सेल आपके चेंज हो जाएंगे और इन फ्यूचर, और बिफोर लेट्स डू दिस, रिपीटेशन क्यों करना है, लेट मी सिलेक्ट दिस, ये चेंज होगा मेरा बेंगलोर में, एंड देन ये चार चीजें चेंज हो जाएंगी, पांच, राइट, दिस विल चेंज एंड कंबाइंड दिस विल चेंज, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा, ये भी फॉर्मूला लगा के यू कैन रिमूव। सो आई सिलेक्टेड दिस सेल्स, एंड देन इफ आई गो टू व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, ये प्री बिल्ट भर के देगा हमें, देखिए आ गया, प्री फिल्ड है, सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है जॉब इन पुणे, राइट, प्रेस ओके। सो नाउ यू कैन सी ऑल द वैल्यूज आर फिल्ड, मंथली इनकम भर दिया गया है, हाउस रेंट जो यहाँ पे वैल्यूज थे यही वैल्यूज यहाँ पे है। सो व्हाट आई कैन डू इज प्रेस ओके। तो ये हो गया जॉब इन पुणे, क्लियर। सो लेट्स ऐड वंस अगेन, तो ये हो गया जॉब अंडरस्कोर इन बैंगलोर, राइट, प्रेस ओके। अभी बताइए कितना सैलरी था, 1,80,000 के आसपास मेरा सैलरी है सपोज। हाउस रेंट कितना होता है बेंगलोर में, एनीवन हैज एनी आइडिया? यस, एनीवन हैज एनी आइडिया? इट्स ऑलमोस्ट 70,000, ओके, 2 BHK फ्लैट। ग्रोसरीज क्वाइट एक्सपेंसिव, 12,000 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2,800। आई एम पुटिंग सम रैंडम नंबर, ऐसा नहीं कि ये मुझे पता है, कोई भी रैंडम नंबर, आप रैंडम इन द सेंस बैंगलोर के लाइफस्टाइल के हिसाब से और सिटी लोकेशन के हिसाब से यू माइट गेट सम डिफरेंट नंबर, राइट, क्लियर। देन मूवीज, मूवीज इज क्वाइट एक्सपेंसिव इन बैंगलोर, यस, सो हाउ मच शुड वी स्पेंड ऑन मूवीज, टेल मी। कितना, शुड आई मेक इट अराउंड 5,000, पॉपकॉर्न ये वो, यस ओके, यस नो ओके, प्रेस ओके। देन देर इज वन मोर सिचुएशन, मे बी वी कैन एड जॉब एट होम, राइट, वर्क फ्रॉम होम, प्रेस ओके। कितना सैलरी है, मे बी लेट्स से 60,000 मेरा सैलरी है इन हैंड। हाउस रेंट, घर में आप हाउस रेंट देते हो क्या? मोस्टली नो। ग्रोसरी, चलो आपने कुछ खर्चा कर दिया ऐसे ग्रोसरीज, 2,000। इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली यू डोंट पे। मूवीज, चलो 1,000 रुपीज, मे बी आप फैमिली को लेके जा सकते हैं, और मिसलेनियस कई फ्रेंड्स के साथ चले गए, और इफ यू वांट टू स्पेंड समथिंग 3,000, समथिंग लाइक दिस, राइट, दैट्स ओके। सो नाउ यू गॉट अ सिचुएशन, ये आपको 3 सिचुएशंस और सिनारियोस मिले हैं। सो आप डायरेक्टली देखिए, अभी बेंगलोर में आपको चेक करना है कितना आपका सेविंग हो रहा है इन बेंगलोर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू क्लिक ऑन अ शो, देखिए आपने जो वैल्यूज इंसर्ट किया था यहाँ पे वो इंसर्ट हुए हैं, एंड देन फाइनल आपको आउटपुट मिला है विच इज 84,000, स्टिल गुड। घर में जाके शो,
ओके 54. सो इफ यू कंपेयर पुणे एंड होम इज सिमिलर राइट, यहाँ 56 है वहां 54 आ रहा है. सो इट्स बेटर इफ वी शिफ्ट टू बैंगलोर राइट. यस नो, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. आपको इसका पूरा समरी चाहिए तो देर इज समथिंग कॉल्ड समरी ऑप्शन एज वेल. क्लिक ऑन अ समरी, तो यहाँ पे रिजल्ट सेल कौन सा ही है क्योंकि इस पे कंपेयर करना है आपको. सो प्रेस ओके. सो सेकंड चार्ज लग रहा हूँ. तो नाउ यू कैन सी देयर इज अ समरी ओपन राइट. समरी ओपन हुआ है तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन कंप्लीट किया है. यहाँ पे आप पूरा कंपैरिजन कंप्लीट हुआ है आपका. सो हर एक जॉब में, जॉब इन पुणे कितना सैलरी, बैंगलोर होम, हर एक हाउस रेंट उसका कंपैरिजन, इलेक्ट्रिसिटी उसका कंपैरिजन, फाइनली सेविंग का कंपैरिजन राइट. सेम सिचुएशन मान लीजिए यहाँ पे 30% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट. आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट राइट. यहाँ पे प्रॉफिट लिख के आएगा फिर जो भी रहे नंबर्स आएंगे तब. क्लियर? यस अंडरस्टूड. हाँ ऑनलाइन. यस सर. गुड. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द सिनेरियो मैनेजर. इट इज वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मतलब इसका बहुत स्पेसिफिक कंडीशन और रिक्वायरमेंट है. ऐसा इन जनरल आपको यूज करना थोड़ा मुश्किल है. ओके, बट वेन एवर आपको कुछ मार्केटिंग रिलेटेड स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, प्रोडक्शन रिलेटेड स्ट्रैटेजीज है, मार्केटिंग कहाँ पे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, स्कूल कॉलेज, तो उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते. अंडरस्टूड, समझ में आया सबको? ओके, लेट्स सी वन मोर थिंग विच इज अ डेटा टेबल. आई विल गिव यू अ ब्रीफ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रन अगेन. ठीक है, टाइम अपने पास, अनदर 20 मिनट्स वी कैन टेक. चलो, सो वॉट इज अ डेटा टेबल? डेटा टेबल इज अ फंक्शन और अ फीचर विच गिव्स यू अ डिफरेंट लाइक विच गिव्स यू अ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट फॉर्मूला और विच यू कैन यूज टू सिम्युलेट अ डिफरेंट फॉर्मूलाज और डिफरेंट कंडीशंस. थोड़ा सिंप्लीफाई करके मान लीजिए एक फॉर्मूला है आपके पास. ओके, फॉर्मूला इज मे बी एक्स इंटू वाई इंटू 20. ओके, ऐसा कुछ आपके पास कंडीशन है राइट. और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इफ एक्स की जगह 10 लिया तो आंसर कितना आएगा, और वाई की जगह 10 लिया तो आंसर कितना आएगा. Let's, if you want, maybe we can do it here. इसको ही मैं मैथमेट लाइक एक्सेल के फॉर्म में लिख देता हूँ. फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ. दिस इज माई एक्स कॉलम. ओके, ये एक्स कॉलम है, ये वाई कॉलम है, और ये मेरा डेटा है विच इज 20 राइट. फिक्स्ड फिक्स्ड वैल्यू लिख देता हूँ एंड फाइनल आंसर. मान लीजिए एक्स में मेरे पास है 10, 15 एंड 23, 44 समथिंग लाइक दिस, और वाई में 45, 55 ये कुछ एंड सम नंबर्स, और फिक्स वैल्यू इज 20. ये 20 फिक्स है. अंडरस्टूड? सो नाउ ये मुझे अभी देखना है कि इस फॉर्मूला में क्या इफेक्ट होगा इफ आई डू लाइक दिस दिस एंड दिस. ओके,
इसका आंसर आ रहा है 9000, बट मेरा वाई चेंज हो रहा है, वाई इट इज 15, सो व्हाट इज द आंसर, इसमें कितना आंसर होगा, इफ माय वाई इज 23, सो हाउ मच, व्हाट विल बी माय आंसर। ये मेरा एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, बट रियल वर्ल्ड में कई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज भी रहते हैं। मान लीजिए आपने लोन का कैलकुलेट करना है, और ईएमआई का कैलकुलेशंस करने हैं, और सम टैक्स रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस है, और प्रॉफिट परसेंटेज रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस है। तो उस कैलकुलेशन में आप ऐसे मैन्युअली हर बार ये कॉलम में लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, फिर फिक्स्ड वैल्यू लिख देता हूँ, फिर फाइनल आंसर, ऐसा सब कुछ मैन्युअली करना मुश्किल होता है, राइट? यू कैनॉट बिल्ड सच अ लॉन्ग फॉर्मूलाज और अ टेबल, और इतना मैन्युअल वर्क करना पॉसिबल नहीं है। सो इन दैट केस व्हाट पीपल डू इज दे यूज अ डेटा टेबल ऑप्शन। सो व्हाट इट डज इज इट डायनामिकली चेंजेस द वैल्यू इन द फॉर्मूला। मतलब ये एक फॉर्मूला है, इसमें से एक्स आपको डायनामिकली चेंज करना है तो वो पॉसिबल है, सिर्फ वाई चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है, दोनों चेंज करना है साइमल्टेनियसली और उसका इफेक्ट देखना है मेरे आंसर पे क्या होगा, ये भी पॉसिबल है। ओके, मतलब ये देखिए यहाँ पे 9000 के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है ये चेक करना है। मान लीजिए 10 की जगह मैंने 34 लिया, तो ये 9000 में क्या आएगा ये आपको चेक करना है, और यू वांट टू फाइंड समथिंग लाइक दिस, इन दैट केस यू शुड यूज अ डेटा टेबल। क्लियर? इसका प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, एंड देन आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एक मैंने यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला लगाया है विच इज कॉल्ड पीएमटी। एक ये मेजर करता है, ये लोन के ऊपर से ईएमआई कैलकुलेट करके देता है। ओके, मान लीजिए आपको आईफोन खरीदना है, राइट? तो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, और ऊपर के जो 10-20 हजार जो है वो आपने पे कर दिया है, समथिंग कॉल्ड बजाज का कार्ड आता है ना, बजाज फिनसर और बजाज ईएमआई, समथिंग लाइक दिस। 20 हजार आपने डाउन पेमेंट किया और 1 लाख रुपए का लोन है, और करंट इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। तो ईएमआई कितने का आएगा, कैसे पता चलेगा? सो लाइक वाइज टू कैलकुलेट दिस वी हैव समथिंग कॉल्ड अ फॉर्मूला पीएमटी। सो वो फॉर्मूला यूज करके हमने एक आंसर निकाला विच इज 2000। ओके, तो कुछ करके मेनली अब सेल्स और वो बजाज वालों के साथ आप फोन पे बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कैलकुलेट करके इमिडिएटली बता देंगे, सर 1 लाख के लोन पे 8% इंटरेस्ट रेट 2000 ईएमआई लगेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। बट आप बोलोगे सर मेरा बजट 2000 का नहीं है, मेरा 1500 का है, तो फिर कैसे करना है? तो वो क्या करते हैं, बैक कैलकुलेट करते हैं क्या ऐसे कि अरे एक काम करते हैं, 10 और 60 का लिया था ना, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4.5 और स्टिल 2002, इनका तो 1500 का बजट है, तो मैं एक काम करता हूँ 10 और 3 का कर देता हूँ। ऐसे ये मैनिपुलेट करते हैं क्या, और ऐसे फॉर्मूला चेंज करते बैठते हैं क्या वो? डू दे डू दिस सच कैलकुलेशंस मैन्युअली? डेफिनेटली नो, राइट? दे हैव सम काइंड ऑफ अ चार्ट रेडी, आप सिर्फ वैल्यू बोलो, उसके हिसाब से वो आपको टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करके देंगे। और आप सिर्फ टेन्योर बोलो, आप बोलो सर 2 साल के लिए मुझे चाहिए मैक्स टू मैक्स, देन दे विल गिव यू द बेटर ऑप्शन, तो एग्जैक्टली बता देंगे कि कितना अमाउंट आए। समथिंग वी हैव ऑब्जर्व एवरीवन, राइट? ये हमने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, यस? So how they do it, let's understand. So there is something called data table. तो इसमें क्या होता है? Just a second, let me inform the batch. We'll start. So, यहाँ पे हाउ दिस फॉर्मूला वर्क इज, लेट्स अंडरस्टैंड। इंसर्ट फंक्शन पीएमटी, आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये रियल वर्ल्ड का एग्जांपल सिमुलेट करने के लिए आई एम गिविंग यू।
सो रेट इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हो आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट रेट भी मंथली होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इंटरेस्ट रेट 8 जो है ना ये पर एनम है, तो पर मंथ करने के लिए क्या किया हमने, डिवाइडेड बाय 12, 8 डिवाइडेड बाय 12 नथिंग बट पर मंथ हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ पीरियड जो 6 साल का यहाँ पे दिया है उसको ही हमने कन्वर्ट करके 72 मंथ में किया है, क्योंकि ये मंथली ईएमआई देना है, राइट। एंड पीवी इज प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपने कितने का लोन लिया है, 1 लाख का, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख, राइट। सो समथिंग लाइक दिस, सो इफ यू डोंट यू कैन चेक हियर व्हाट वी हैव डन, डिवाइडेड बाय 12, B3 को डिवाइडेड बाय 12 किया है, राइट। 72 मल्टीप्लाई B5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 को लेट मी कीप इट एज इट इज, 5 है तो 5, राइट। यहाँ पे आप फंक्शन लगा सकते इंसर्ट फंक्शन PMT प्रेस ओके, रेट ये आएगा, पीरियड मंथ में ये आएगा, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख, प्रेस ओके। देखिए आपको ये आंसर मिल रहा है यहाँ, राइट। सो एनीवन हैज एनी आइडिया क्यों माइनस क्यों आ रहा है? डेफिनेटली ये प्लस में दिया है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है दैट इज इन प्लस, तो अकाउंट से पैसा जा रहा है दैट शुड बी इन माइनस, राइट। EMI इजी मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है, दैट्स व्हाई इट इज इंडिकेटेड इन माइनस, ये आपको पे करना है, ये बैंक ने आपको दिया है, इसलिए आपके बैंक अकाउंट में एडिशन आएगा, ये आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा तो ये माइनस में आएगा, राइट। क्लियर? तो इसका ही एक दूसरा वर्जन है, व्हाट यू कैन डू इज, तो आपको जो ड्यूरेशन चाहिए, मान लीजिए यहाँ 60 है, मुझे चाहिए 65, मुझे चाहिए 70 के बजाय 72 के लिए चाहिए, 75, 80, 83 के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे लिखना है एक कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम को आपको एम्प्टी छोड़ना है, एज इन ये दो कॉलम आपको अवेलेबल और यूज करना है एज अ फॉर्मूला, एंड यहाँ पे एट द टॉप ऑफ दिस इज इक्वल टू, यू नीड टू राइट दिस फॉर्मूला, इधर यू राइट डायरेक्ट फॉर्मूला और जस्ट इक्वल टू दिस सेल, ये इक्वल टू करोगे आप सेल, ये सेल इक्वल टू करोगे तो सेम फॉर्मूला विल रिफ्लेक्ट इन हियर एज वेल। तो वंस दिस अरेंजमेंट इज डन, सॉरी, तो आपको ये पूरा ऐसा सिलेक्ट करना है एंड देन गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, डेटा टेबल पे क्लिक करना है, बहुत सिंपल मेन्यू है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है रो या कॉलम, हमें कैसे चाहिए वैल्यू, यहाँ पे ये कॉलम है राइट, तो हमें कॉलम पे फोकस करना है, रो निकल गया, चलो कॉलम में क्या चेंज हो रहा है हम देखिए, व्हाट आर दिस, ये मंथ है राइट, तो फॉर्मूला में ये मंथ आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज ना, यही चेंज कर रहा है ना फॉर्मूला में से, 60 के बजाय 75, 60 के बजाय 80, 80, 83, ये सब चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये लिखना है सिर्फ एंड प्रेस ओके। देखिए ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला लग गया है, 60 के लिए इतना था एंड 65 के लिए इतना आएगा, इफ यू डोंट बिलीव लेट्स मेक इट 65, 6 ईयर्स, 72 के लिए इजी हो जाएगी, देखिए 72 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, सेम आ रहा है वैल्यू, तो हमने एक फील्ड चेंज किया है फॉर्मूला में से एंड डायरेक्टली नाउ यू गॉट वैल्यूज। अभी बताइए 2000 का बजट है, 60 ईयर्स आएगा, 1900 का है 65 आएगा, 1600 का बजट है तो 80 आएगा, 1480, 1500 का बजट है तो 90 महीने का आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही होता है ना, सो यू टेल और यू गिव अ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बता दीजिए, फिर उसके हिसाब से वो लोग आपको ईएमआई का अमाउंट बताएंगे, समथिंग लाइक दिस, यस। सो सेम सेट पे इट वर्क्स ऑन परसेंटेज एक्चुअल, मतलब मान लीजिए कल जाके इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज किया दिया और आपके बैंक ने कुछ इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, तो उस केस में कैसा, सेम फॉर्मेट में ये वर्क होता है, आई एम जस्ट शोइंग रो, ये कॉलम में भी हो सकता है, मैं रो का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखिए जो आपके चेंज हो रहे हैं, राइट, एंड यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल टू दिस, प्रेस इंटर,
जैसे आप ये पूरा सिलेक्ट करना है एंड व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, इस बार मैं रो सिलेक्ट करूंगा वाई एंड इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करूंगा वाई, बिकॉज इंटरेस्ट रेट मेरा चेंज हो रहा है रो वाइज, सो इंसर्ट दैट इंफॉर्मेशन हियर। मंथली सिलेक्ट करना है क्योंकि मंथली लेवल का कैलकुलेशन, प्रेस ओके, तो आपको ये आंसर आ रहा है, राइट? अंडरस्टूड? इफ यू डोंट अंडरस्टूड, डोंट वरी, हम कल देखेंगे और एक बार, सो विल रिवाइज डेटा टेबल वंस अगेन, बट आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑन दिस एंड दिस टेबल, ये दोनों टेबल पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ये हम कल देखेंगे, ये थोड़ा और एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ओके? समझ में आ रहा है सबको? हाउ, थोड़े एडवांस ऑप्शंस है, फ्यू एडवांस ऑप्शंस आर देयर, यू मे और मे नॉट यूज, मतलब ये आप हर रोज यूज करोगे ही, ये पॉसिबल नहीं है, ओके? अंडरस्टूड? दोज हु आर ज्वाइनिंग फॉर एक्सेल, जो लोगों ने एक्सेल के लिए ज्वाइन किया है, पाइथन विल स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स, ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, डोंट वरी, वील कवर डेटा टेबल वंस अगेन टुमारो, ओके, बट मेक श्योर कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क जो दिया है वो ऑन टाइम कंप्लीट कीजिए, थैंक यू।